अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सदम रुजा और मेरा नाम है बदर हसन। हम यहां पे 16 वॉलंटियर्स को ट्रेन कर रहे हैं जो कि 8 दोस्त स्कूल में जाके डेली बेसिस पे सेशन कराएंगे। और जो हम टॉपिक कवर कर रहे हैं, सबसे पहले हमारे पास बी हैप्पी, बी योरसेल्फ, बी काइंड। और मजे की बात है कि ये सर की जरिए फुटबॉल के थ्रू हो रही है और तमाम जो स्टूडेंट्स हैं स्कूल में वो फुटबॉल के थ्रू एक गेम के थ्रू बहुत कुछ सीखने वाले हैं, जैसे कि लीडरशिप स्किल्स। और मजे की बात यह कि उसमें हमने एक और है बी सेफ ऑन द रोड, और उसमें मतलब जो रोड से गुजरने के कवानीन है, हाइजीन के कवानीन है, हम उनको उनसे आगाह करेंगे। उम्मीद करते हैं कि वॉलंटियर्स हमारी उम्मीदों पे पूरा उतरेंगे और बच्चों में मोटिवेशन और लीडरशिप की स्किल्स पैदा करेंगे। के पास बॉल आ रहा था वो अपने पास सिर्फ महदूद नहीं था, दूसरे को फॉरवर्ड कर रहा था, पास कर रहा था। अपॉर्चुनिटी, ठीक है, अपॉर्चुनिटी सर ये था कि मतलब वो अपने पास इसीलिए नहीं रख रहा था क्योंकि उसको पता है कि दूसरा कोई, वो जो मेरा हरीफ है, वो आके मुझसे बॉल लेके जाएगा, और ये देख रहा था कि वो फ्री है या फिर वो आगे जा सकता है। तो एक स्टेप लिया है, आज आप लोगों ने नौजवानों को जो है ट्रेन किया है और फिर जाकर जो है अपने जो है यूसी में, यूनियन काउंसिल में जो है ये फॉलोअप देंगे, तो इसके जो एक बहुत पॉजिटिव रिजल्ट इंशाल्लाह। वांग के बहुत सारे प्रोग्रामों में से एक प्रोग्राम जो हमारे लिए हम समझते हैं कि बहुत अहम है और कम्युनिटी इंगेजमेंट के लिए, स्पेशली नौजवानों की इंगेजमेंट के लिए और उनको इस सेक्टर में इस तरफ ले आने के लिए जहाँ पे वो रिस्पॉन्सिबल बन सके, हम समझते हैं कि फुटबॉल बहुत अहम है। तो इसी प्रोग्राम को साथ रखते हुए हमने जनरेशन अमेजिंग का ये प्रोग्राम लॉन्च किया है, जिसमें हम अपने 16 वॉलंटियर्स को जनरेशन अमेजिंग के कंपोनेंट्स पे ट्रेन कर रहे हैं। ये वॉलंटियर्स जो है अगले मरहले में स्कूल्स में जाएंगे जहां पे ये क्लास 1 से लेकर क्लास 5 तक के बच्चों के साथ बेला के 8 स्कूलों में काम करेंगे और हम एक्सपेक्ट करते हैं कि ये बहुत अच्छा रिजल्ट लेके आएंगे। थैंक यू।